अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप? उम्मीद करूँगा आप सब ठीक होंगे, खैर होंगे। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो देखना, अगर नहीं है तो बेशक छोड़ चले जाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपनी वीडियो किस तरह प्रोफेशनल तरीके से एडिट करता हूँ। ये आप देख सकते हो, जैसे कि दरमियान में ये मोबाइल पड़ा है और साइड में ये देख मेरी पिक है और इधर ये सब्सक्राइब करो ये वगैरह वगैरह लिखो और पीछे जो बैकग्राउंड है वो पीला है, मतलब कि खूबसूरत सा बैकग्राउंड है और खूबसूरत सा ये टेम्पलेट है। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको इन सारा कुछ समय लग जाएगा। और अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हो तो बेशक छोड़ के चला जा सकते हो। तो ये जी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश है, तो उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लेके चलता हूँ आपको उस ऐप पे। तो उस ऐप का नाम है, मैं आपको बता दूँ, वो है जी काइंड मास्टर का नाम आपने सुना होगा। आपको इस ऐप की ज़रूरत है, उसके बाद एक दूसरी ऐप पिक्सल ऐप की तो थोड़ा कम ही ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत आपको काइंड मास्टर की, तो ज़्यादातर आपको मैं काइंड मास्टर का बताऊँगा। तो वीडियो कल से स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे पास ये काइंड मास्टर, उसके बाद ये दूसरी ऐप है पिक्सल ऐप। दोनों ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे इजीली चेकआउट कर सकते हो, दोनों ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो काइंड मास्टर को सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ओपन। तो दोस्तों काइंड मास्टर को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये साइड वाला, ये हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी होगा, बिल्कुल खाली होगा। और जो हमारे पास ये दूसरा प्लस का आइकन है, हमने सिंपली इससे काम लेना है। तो ये वाला हमारा सर होगा जब हम न्यू ये बनाएंगे, तो सिंपली हमने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। और इसे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अपना रेशो सेलेक्ट करना है, हमने 16:9 सेलेक्ट करना है। ये वाला हमने नहीं करना, सिंपली हमने ये वाला करना है। ये वाला बेस्ट होता है, वो वाला मतलब कि अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं, और ये जो तीसरा, ये आप इंस्टाग्राम के लिए अगर वीडियो बनाते हैं, तो रियल ये होता है यूट्यूब के लिए। तो सिंपली हमने 16:9 पे क्लिक कर देना है। और इसे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ हमारा, ये देखिए, ये हमारा खाली विंडो ओपन होकर आ चुकी है। और यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं कि हम अपनी वीडियो डालें और उसे एडिट करें। तो सिंपली हमने जो हमारे फ़ोन में जो चीज़ थी उसे कैप्चर किया होगा, जैसे कि मैं ये कैप्चर कर रहा हूँ इस वाले मोबिजन से, तो आपने भी सिंपली कैप्चर किया होगा अपनी स्क्रीन को, तो वो जी आपको मिलेगी आपके मीडिया वाले ब्राउज में। तो सिंपली हमने मीडिया पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमने अपना मोबिजन वाले फोटो को खोलना है, और यहाँ पे हमारी ये सारी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। तो मैं यहाँ से अपनी कोई सी भी रिकॉर्डिंग ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये देखिए ये मेरे पास पड़ी है, और इसे मैं ओपन करता हूँ। ये अब देख तो मेरे पास ये दरमियान में आ रहा है, और साइड पे कोई हमें टेम्पलेट्स दिखाई नहीं दे रहा। तो इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए वो हमें टेम्पलेट दरकार होगा। तो टेम्पलेट बनाना मैं आपको बता दूंगा, या जो मेरे पास टेम्पलेट 3-4 पड़े हैं वो मैं आपको उसके लिंक दे दूंगा। अगर आप उसमें से कोई आपको अच्छा लगे तो वो आप चेक कर सकते हो, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेम्पलेट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे करने के बाद आपने सिंपली लेयर वाले बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए ये मेरे लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मीडिया नज़र आ रहा है, तो मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने ये पिक्सल ऐप से अपने ये बनाया टेम्पलेट, तो पिक्सल ऐप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं, तकरीबन 3-4-5 हैं, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास ये तीन खूबसूरत ये टेम्पलेट पड़े हैं, एक ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये। तो मैं कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो भी सिलेक्ट करें आपकी मर्ज़ी। और ये देखिए ये हमारे पास आगे, हम इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो छोटा बड़ा इसे आपने नहीं करना। तो यहाँ पर आपने इधर क्लिक कर देना है, ये दरमियान वाला, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे जहाँ तक लगाना है वहाँ तक आपने इसे इस तरीके से खींचना है। तो ये जी मैं अपनी फुल वीडियो पर लगा लेता हूँ, ये देखिए ये मैं इसे आगे करता हूँ, ये हमारा फुल वीडियो में लग रहा है। तो आप भी सिंपली बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो ये आप देख सकते हो ये मेरे पास लग गया, और मोबाइल भी दरमियान आ गया, लेकिन ना उसकी ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइडें उसकी थोड़ी अंदर चली हैं, तो इसे हमने सेटिंग करनी है। तो सिंपली इसे जो हमारी फ़ोन वाली लेयर है, हमने सिंपली इसे क्लिक करना है मीडिया वाले पे। तो इसे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास ये दो डब्बे से बन के आ चुके हैं, हमने सिंपली इस डब्बे पर क्लिक करना है। तो इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें हमें इज इक्वल टू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो सिंपली हमने इसे जोड़ देना है। तो जैसे कि ये देखें ये मेरे पास आ गया, तो मैं सिंपली इसे क्लिक कर लेता हूँ, और इसे मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कहाँ पे ये फिट आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर लेता हूँ और देख लेते हैं, ये देखिए ये मेरा फिट आ गया बिल्कुल ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ऊपर जो सिग्नल है वो सारा को नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ये जी हमारा टेम्पलेट लग गया। और अगर आप ये जो आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है, अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। डिलीट आपका ऐसे होगा कि आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये कैंची बनी हुई है, तो कैंची पे क्लिक कर देना। इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, मतलब कि प्लेहेड का अगला हिस्सा, क्योंकि ये हमारा अगला हिस्सा, तो हम इसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा ख़त्म हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे काम फाइनल हो गया। और आप देखते हो यहाँ पे मेरी पिक भी बनी हुई है, और साथ में ये टेम्पलेट कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप इसमें गाना ऐड करना चाहते हो, गाना आप यहाँ से ऐड कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर फुल ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उस पर फुल वीडियो बना के दे दूँगा। इसके बाद आपने सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, इसे क्लिक करना है।
और यहाँ पे आपने सिंपली रख देना 720 पे और 30 पे या 25 पे रख देना, ये दोनों आपके लिए अच्छे हैं। मैं तो 30 पे रखता हूँ, तो आप भी 30 पे रखें तो रख सकते हैं, लेकिन 25 भी आप रख सकते हैं। तो 720 पे ही आप रखें, वो 1080 बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और जो ये तीन नीचे वाला ये है बिट रेट, तो इसने ये अपने 2.50 से 2.40-30 इस पर रखना है, इसे ओवर नहीं करना, नहीं तो आपकी वो तस्वीर क्वालिटी तो अच्छी हो जाएगी लेकिन ना उसमें वो उसके जो MBs हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये है जी हमारा ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि हमने पिक्सल लैब में किस तरह हमारी एडिटिंग करनी है, जो मेरे टेम्पलेट मिलेंगे उसमें तो मेरी तस्वीर है, तो उस तस्वीर को हम कैसे रिमूव करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ पिक्सल लैब में चल के। तो ये आप देखते हो ये देखिए मेरे पास ये पिक्सल लैब ऐप है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद देखते हैं हमारे पास किस तरह सा इंटरफेस आता है। तो सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं, और ये आप देखते हो मेरे पास ये फ़िलहाल खाली एम्प्टी आ रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पे हमारे ये जो तीन डॉट हैं इस पर क्लिक करना है, इसे क्लिक करने के बाद देखते हैं हमारे पास कैसा इंटरफेस आता है, हमारे पास हमारी गैलरी ओपन होकर आ जाएगी। तो ये आप देखते हो ये हमारे पास ये पहला पिक्चर आ गया, उसके बाद हमने हमारा फोल्डर देखना है जिसमें हमारे ये टेम्पलेट डाउनलोड होंगे, तो आपने डाउनलोड करके कहीं पर रख देना है। तो मेरे ये जो टेम्पलेट्स हैं ये पिक्सल लैब में, तो मैं पिक्सल लैब पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने टेम्पलेट्स को सर्च कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ पे पड़े हैं। तो ये आप देखते हो ये पड़े हैं मेरे पास टेम्पलेट्स, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारे ये देखिए हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन आपने फुल ही रहने देना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखते हो ये मेरी तस्वीर है और मेरा नाम है, तो सिंपली आपने यहाँ पे करना कुछ यूँ है कि ये जो प्लस का आइकन है इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास आपकी कोई तस्वीर पड़ी है तो आपने वो डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई तस्वीर देख लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे पास इरेजर में भी नहीं पड़ी, उसके बाद मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास कोई तस्वीर पड़ी है तो मैं वो लगा लेता हूँ। तो वैसे हम कोई चेक कर लेते हैं, मैं देख लूँ मुझे कोई अच्छी तस्वीर नहीं नज़र आ रही। तो कोई अच्छी तस्वीर मिल जाए तो जैसे कि यही होगी ये वाली तस्वीर, आपने सिंपली अपनी चेक कर लेनी है, जो आपको अच्छी लगे तो वो आपने लगा देना है। तो आपने सिंपली इस तरीके से लगा देनी है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो मैंने सिंपली उस पर वीडियो बनाई हुई है, फुल वीडियो बनाई हुई है, आपने आप वो चेक कर सकते हो। आप इस तरीके से ये अपनी तस्वीर यहाँ पर लगा सकते हैं और कोई आपका मसला नहीं है, आप नीचे अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये बैकग्राउंड आपका ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो ये आपने सिंपली छोटा सा काम करना है इंशाल्लाह आपका। और दोस्तों इस तस्वीर को सेव करने के लिए आपने सिंपली ये जो हमारा कार्ड बना हुआ है हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसे क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा PNG है तो इसे PNG ही रहने देना। अगर आप JPG करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन PNG बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई थंबनेल बनाते हैं तो आपको JPG करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट को अल्ट्रा करके आपने यहाँ पे सेव कर देना, आपका काम हो जाएगा सारा। तो ये देखिए ये हमारे पास हो गया, अभी ऐड आ जाएगा तो मैं वीडियो को यहीं पर पोस्ट कर देता हूँ, सारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये छोटी सी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी मार देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।